कक्षा वाले के सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आज हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की, और मेरे को ये जरूर कमेंट करके बताना कि इस टाइप की वीडियो आपके लिए सही रहेगी। ठीक है, कॉपी पर बना रहा हूँ, पहली बार वीडियो इस तरीके की बना रहा हूँ मैं फिजिक्स की, तो आप कमेंट जरूर करना कि आपको ये अच्छी आए, पसंद आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें हम फास्ट रिविजन करेंगे और साथ में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी आपको दूंगा मैं, सभी यानी कि कक्षा 12 के चैप्टर 1 से, यानी चैप्टर वाइज आपको चैप्टर 1 से लेकर जितने भी 14 चैप्टर हैं सभी चैप्टरों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहेंगे, और डेरिवेशन को मैं बोर्ड पर ही कराऊंगा। ओके, चलिएगा तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका समझते हैं, देखो क्विक रिवीजन, सारी परिभाषाओं को क्लियर करते रहेंगे। देखिएगा, पहला डेरिवेशन आपका है गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय लिखनी है और इसको सिद्ध भी करना है, तो ये डेरिवेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट। मात्र 4 डेरिवेशन बताऊंगा मैं। देखिए, गॉस की प्रमेय होती क्या है, देखो कहां पे गलती करते हो आप वो भी समझ लो। ठीक है, देखिएगा, गॉस की प्रमेय देखो जल्दी में आप लिख देते हो, फाई बराबर 1/q ε0 जो की होती है गलत। गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर, फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स को होता है, परिभाषा भी बताऊंगा, सारी चीज क्लियर करवा दूंगा। 1/ε0 q, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे कि गॉस की प्रमेय को यदि एक नंबर दो नंबर में आ जाए तो किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यह है आपका प्रश्न। ठीक है, यह उत्तर हो गया, यानी किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि मेरे पास में एक पृष्ठ है, इसका आवेश इतना है, तो इसका यदि वैद्युत फ्लक्स निकालूं, इस पूरे आवेश का वैद्युत फ्लक्स निकालूं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इस वैद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 × q, यानी कि जितना आवेश होगा उसमें 1/ε0 की गुना कर दी जाती है। ओके, चलिएगा, इसको सिद्ध करना, ये डेरिवेशन द्वारा सिद्ध होगा, जो कि मैं अभी डेरिवेशन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कि एक अनंत लंबाई का, यानी कि एक सीधा तार है अनंत लंबाई का है, और उसमें क्या हो रहा है, एक आवेश समान रूप से वितरित है, तो इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आर बिंदु पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर 1/4πε0, ये लिख रहा हुआ 4πε0 2λ/r², ये 2λ क्या होता है ये भी समझ लो, 2λ क्या है, लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व, कभी कभी दो नंबर में परिभाषा पूछ लेता है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि हमने ये तार बनाया है ना, तार, इस तार के प्रति मीटर यानी एक मीटर यानी एकांक मीटर में या एकांक लंबाई में जितना आवेश की मात्रा होगी उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि एकांक रेखीय लंबाई के में जो आवेश की मात्रा होगी, तो यहां पर लिख दिया है रेखीय आवेश घनत्व की यदि परिभाषा पूछेगा तो आपको लिखना कैसे है, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, अब इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं मिलेगी भाई, बिल्कुल काम खत्म कर दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। देखो एक चीज यहां समझे, इन सभी डेरिवेशनों को मैं कराऊंगा इस चैप्टर में से, मात्र इन 4 डेरिवेशनों को कर लेना अभी के अभी, इनमें से आपको एक 5 नंबर का 100% देखने को मिलेगा, पेपर में कल परसों पता चल जाएगी, एक ना एक सेट में जरूर मिलेगा ये। ठीक है, ये नहीं मिलेगा तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स मिलेगा, ध्यान से समझ लेना चीजों को। ठीक है, ये हो गया। देखिएगा अगला, देखिए तो अब इसमें क्या करना है, देखिएगा इसमें है आपका, ये देखिएगा, tau बराबर pe sin थीटा, ये आपका क्या है, ये इसका डेरिवेशन में जो आता है ना, एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है, tau बराबर pe sin थीटा, ये वाला सूत्र हमको लेकर आना है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि आपसे परिभाषा पूछ ले इसकी, तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके दोनों आवेशों के कारण उस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बल युग्म लगता है, विपरीत प्रकृति के बल लगते हैं, जिसे बल युग्म कहते हैं, और जिसे बल, दो बल लग रहे हैं तो मतलब दो बल लगते हैं जिनको हम बलयुग्म कहते हैं, और इसी बलयुग्म का नाम होता है प्रत्यानयन बलयुग्म। ठीक है, मतलब यह है कि जब कोई आवेश, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है कि उसमें दो आवेश होंगे, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू कूलर, ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा मतलब कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जहां पर पहले से ही
क्या होता है, कोई आवेश रखा होता है। तो जैसे कि ये प्लस क्यू कूलम आवेश रखा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दूर ध्रुव जाएगा तो इस आवेश के कारण इस पर भी एक बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा, यानी दोनों वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों पर दो बल लगेंगे, जिनको हम बोलेंगे बल युग्म, यानी दो बल लग रहे, यानी कि कपल बल है। ठीक है, कपल बल क्यों, क्योंकि इनका देखिए ये माइनस के कारण कोई दूसरा बल लगेगा, प्लस के कारण दूसरा लगेगा, यानी दोनों आवेशों पर दो बल लगेंगे लेकिन बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के। तो मतलब क्या हो गया, ये जोड़ा बनाएंगे, जोड़े का मतलब बल युग्म। तो किसी वैद्युत ध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत ध्रुव के आवेशों के कारण उस पर एक बल युग्म लगता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, और इसके आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। इस प्रत्यानयन बल युग्म को जो इसका आघूर्ण होगा उसको हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं, और इसका नाम मान कितना होता है, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। ये तो शॉर्ट प्रश्न है, बाकी डेरिवेशन तो मैं कराऊंगा, अभी बोर्ड पर कराऊंगा सारे डेरिवेशनों को। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, ये आ गया, वैद्युत ध्रुव क्या है, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये याद कर लीजिएगा। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार से बने निकाय को हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी पूछ लेता कभी कभी, HCl, HBr, H2O, इसकी परिभाषा आपको नहीं लिखनी है इस डेरिवेशन में, लेकिन ये दो नंबर में परिभाषा अलग से आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 KQ मत लगाओ, ठीक है, 4πε0 2π/r³। पी क्या होता है, बल आघूर्ण होता है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण होता है, क्या होता है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। अब देखिएगा, तो ये चार डेरिवेशन ध्यान समझ ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1, 2, 3 और ये चार डेरिवेशन आपको करने हैं। ठीक है, ये मात्र चार डेरिवेशन आपको करने हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखिए चीजों का, देखिएगा क्विक रिवीजन यहां पर लिखा हुआ, क्रैश कोर्स क्विक रिवीजन चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र क्या है। सीधे सीधी बात आ जाते हैं अपने, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपसे पूछ ले, तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव होता है। सिंपल सी बात यह है, कोई एक आवेश रखा है या बहुत सारे आवेश रखे हैं, बहुत सारा आवेश रखा है, उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, यहां पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, वैद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात नहीं आई, चलिए आगे देखिएगा अगला, ये वैद्युत क्षेत्र की होगी परिभाषा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई साथ के साथ। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सूत्र मात्रक और विमा लिखिए। देखिए कभी एक नंबर में तो केवल परिभाषा पूछेगा, कभी कभी ये टिक मार्क में आ जाता है, टिक मार्क में प्रश्न किस तरीके से आता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, समझते रहना हर चीज को, समझते रहो बस। ठीक है, देखिए टिक मार्क का मैंने प्रश्न भी बनाया था, टिक मार्क का किस तरीके से प्रश्न आएगा ये देख लो, टिक मार्क का इस तरह से प्रश्न आ गया, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, न्यूटन बट्टे मीटर, कूलम बट्टे न्यूटन, न्यूटन बट्टे कूलम, जूल बट्टे न्यूटन। तो इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q सूत्र, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बट्टे कूलम, क्योंकि F क्या है, F यहाँ पर वैद्युत बल है, वैद्युत बल का मात्रक न्यूटन, और इसका मात्रक Q का मात्रक आवेश, तो न्यूटन बट्टे कूलम, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, अब इसकी परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, F E F/Q, यानी कि वैद्युत बल बट्टे आवेश। ये राशि कैसी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि होती है सदिश, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बट्टे कूलम या वोल्ट बट्टे मीटर। विमा क्या होती है, MLT^3 1^-1। ठीक है, ऐसे समझ लो, या यहां पर लिखा हुआ है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक, देखिए वैद्युत क्षेत्र मैंने बताया था ऊपर, ये यहां पर आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सूत्र मात्रक और विमा लिखना है। तो देखिए हाँ, एक चीज समझ लो, ये वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहां पर ये अभी हमने बताया था, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो दोनों में अंतर है, ध्यान समझ लेना। वैद्युत क्षेत्र होता है कि भैया वैद्युत क्षेत्र है कि ये आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र है,
ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। लेकिन उस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, एग्जैक्टली वैल्यू कैसे निकलती है, वो इस सूत्र से निकलती है। यानी वैद्युत क्षेत्र का जो मान है, यानी कि उसकी मैथमेटिकल में जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी है, तो वो ये होगी। ठीक है, क्या है देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, एकांक धन परीक्षण आवेश, जैसे कि मतलब एक आवेश, एक कूलम आवेश, ठीक है, ऐसा ही करना है, एक कूलम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक कूलम का मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखिएगा, ई बराबर एफ बट्टे क्यू, अभी बताया था, जहां एफ वैद्युत बल है, क्यू धन परीक्षण आवेश है। आगे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बट्टे कूलम या किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -3 एक की घात -1, विमा ये हो गया। ठीक है, विमा आपको पता चल गया। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला आगे यहीं से आपसे देखिएगा ये, अब गॉस के नियम को लिखिए। गॉस का नियम मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 गुना क्यू, या Φ बराबर Q/ε0। ε0 क्या होती है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है, ये याद रखना। इसका मान वगैरह भी आता है, वो अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा आगे क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये देखिएगा क्वेश्चन है आपका, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, सूत्र और मात्रक लिखिए। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत ध्रुव हमने बता दिया है आपको, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। किसी वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अभी अभी हमने क्या बताया था, वैद्युत ध्रुव क्या होता है, एक वैद्युत ध्रुव देखिए कहां बताया था, ये रहा, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो उसको बोलते हैं वैद्युत ध्रुव। जैसे कि ऐसा समझो, ये देखिएगा, एक माइनस क्यू कूलम आवेश है और एक यहां पर प्लस क्यू कूलम आवेश है, तो देखिएगा ये माइनस ये प्लस, तो माइनस कूलम आवेश और प्लस कूलम आवेश, यानी कि दोनों बराबर हैं क्यू क्यू, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, एक दूसरे से कैसी दूरी पर रखें, अल्प दूरी, 2L हमने क्या मान ली यहां पर, अल्प दूरी, ये क्या है आपकी अल्प दूरी, ये अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे वैद्युत ध्रुव। इस प्रकार के निकाय को वैद्युत ध्रुव बोलते हैं। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, कि इस वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, परिमाण यानी कि क्यू क्यू ले लो केवल, इसमें माइनस प्लस नहीं लगाना है, यानी परिमाण ले लिया, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण यानी पी बोलते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। इसका सूत्र यही बनेगा, पी बराबर क्यू इंटू 2L, क्या हो गया, सूत्र बराबर क्यू इंटू 2L हो गया। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। विमा क्या हो जाएगी, एल टी ए, सदिश, राशि कैसी है, सदिश। कभी कभी टिक मार्क प्रश्न हम पूछ लेता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, पी बराबर क्यू इंटू 2L। मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है। विमा क्या होती है, ये होती है। राशि कैसी है, ये सदिश राशि है। हो गया ना, हो गया, यानी कि एक एक क्वेश्चन काफी क्वेश्चनों को याद करवा रहा है आपके। ठीक है, बस ये आ गया वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, सूत्र मात्रक विमा लिखिए। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये है वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, यानी कि इसमें से पार निकालने, ऐसे करके मैंने देखिए ये, इसको मैं पार निकाल दूं, ये देखिए ये निकल रही है ना 9, ये देखो ये निकल रही है, तो कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इतने क्षेत्र से, उस संख्या को ही हम बोलते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स। इसका सूत्र होता है क्या, डी ए क्या है, उस क्षेत्र है, जैसे कि ये यहाँ पर ये क्षेत्र है तो इसको डी ए बोल दिया, और ये कितना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, ई, तो जितना ज्यादा क्षेत्र होगा उतना ज्यादा वैद्युत प्लस होगा, जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतनी वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी, इसीलिए दोनों की गुणा कर दी है, इसीलिए इसको बोलते हैं ई ए कॉस थीटा। कहीं कहीं पर डायरेक्टली हम लगा सकते हैं ई ए
कॉस थीटा लगा सकते हैं या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे डी ए की लगाने की जरूरत नहीं है। छोटा क्षेत्रफल है तो डी ए लगाएंगे, बड़ा है तो ई ए लगाएंगे, ठीक है ना, ई ए लगाएंगे। छोटा है तो डी डी ए कर दो, नहीं तो ए लगा दो केवल, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट रहते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ठीक है। मात्रक क्या रहेगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या इसका दूसरा मात्रक है वोल्ट मीटर, ठीक है। विमा क्या होगी, एम एल की घात 3, टी की घात माइनस 3, के की घात माइनस 1। राशि कैसी है, राशि है ये सदिश राशि होती है, ठीक है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बना देता है, कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि नेट पूछेगा कि वैद्युत प्लस ऋणात्मक कब होता है और धनात्मक कब होता है, ऐसा प्रश्न आया था बोर्ड परीक्षा में। तो नेट वैद्युत प्लस, नेट प्लस पृष्ठ के अंदर प्रवेश हो रहा है तो वैद्युत प्लस ऋणात्मक होगा, यानी कि कोई वैद्युत प्लस प्रवेश के इसकी पृष्ठ के अंदर प्रवेश हो रहा है तो वो ऋणात्मक होगा, और यदि बाहर निकल रहा है, मैं कह दूं इधर से बाहर निकल रहा है, इस तरह इधर से प्रवेश कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, बाहर निकलेगा उसको धनात्मक कहेंगे। नेट वैद्युत प्लस यदि बाहर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे धनात्मक वैद्युत प्लस, कैसा रहेगा वो, धनात्मक रहेगा, ठीक है। चलिएगा आगे, कभी कभी देखिए, कभी कभी नहीं, ये काफी बार आ चुका है प्रश्न। परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो मतलब क्या बोला है, माध्यम की निरपेक्षशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो। ये निर्वात, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं, यह आ गया, ठीक है। और ये एक कैसी है, ये विमाहीन राशि होती है, कैसी है, विमाहीन। एक राशि कैसी होती है, विमाहीन राशि होती है, विमाहीन। और ये मात्रक भी नहीं होता इसका, क्या है ये, मात्रकहीन राशि होती है, कैसी है, मात्रकहीन राशि होती है। याद रखना, ना तो इसका मात्रक होता है ना ही इसका विमा होती है, ठीक है, मात्रक विमाहीन राशि होती है, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा अगला प्रश्न। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि देखिएगा यहां पर एक जगह पर, एक जगह है, एक ही बिंदु पर मैं यहां पर दो आवेश रख दूं, एक माइनस का 10 कूलाम है और एक प्लस का 25 कूलाम है। तो अब ये दो आवेश नहीं, ये दोनों एक ही बिंदु पर रखेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ के कितना बचेगा, ये कंबाइंड जो आवेश बचेगा तो ये प्लस का केवल 15 बचेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 10 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, माइनस का 10, 25 में 10 जाएंगे तो 15 कूलाम प्लस का बचेगा। तो यहां पे प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और प्लस के कारण ही यहां पे दिशा होगी। ऐसे ही यहां पे आपका, तो यहां पे एक ही दिशा होगी, यानी एक बिंदु पर क्या दो वैद्युत बल रेखाएं दिखाई देंगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। क्यों, क्योंकि वहां पर एक एक बिंदु पर केवल एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है, क्योंकि दो दिशा का मतलब क्या है कि वहां पर एक ही बिंदु पर प्लस कूलाम और माइनस कूलाम दोनों आवेश मौजूद हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही बिंदु पर, मैं कह रहा हूं इसी बिंदु पर दोनों आवेश रखेंगे तो आपस में जुड़ के नहीं है। यदि प्लस प्लस रखेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, और माइनस माइनस रखेंगे वो भी आपस में, माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएंगे। यदि मैं कहूँ माइनस के 20 के पास में प्लस का 100 रख दूंगा तो ये प्लस के 80 बचेंगे, है नहीं, वो निरस्त हो जाएगा ना आधा। तो इसीलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हम कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो कि उस बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो असंभव है। यानी एक बिंदु पर दो आवेश नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, वहां पर दो वैद्युत बल रेखाएं संभव हो ही नहीं सकती हैं। या ऐसे ही बोल सकते हो, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं और एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, दो दिशाएं एक बिंदु पर कभी बन ही नहीं सकती, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे देखिएगा अगला आपसे पूछ ले क्या भाई, कूलाम का नियम बताओ। कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो आवेश, यदि आपके ये दो आवेश हैं,
ये दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, माइनस माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम, तो इन पर लगने वाला विद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी को बोलते हैं कूलम का नियम। इसका सूत्र क्या होता है, एफ बराबर 1/ε0 1/4πε0 q1 q2 r² और इसका मात्रक न्यूटन, जहां पर ε0 वही निर्वातत्व वायु की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गॉस की प्रमेय में आपको बता ही चुका हूं, इसका प्रूफ हम कराएंगे बोर्ड पर, इसलिए नहीं करा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता का मान, मात्रक और विमा क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि इसका मान, मात्रक और विमा क्या होती है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 8.85 × 10^-12 है। मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमा क्या होती है, m-1 L^-3 T^4 A^2। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, ये रहा बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण की परिभाषा देखो यहाँ पर सही लिख रही है क्या है, यदि हम किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत ध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसी को हम, इसी को बल युग्म, इसी को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, और इसके आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। इस लाइन को जोड़ देना, इसी को दे ये वाली लाइन जरूर जोड़ देना। ठीक है, इसको, इसी को क्या कहते हैं हम, प्रत्यानयन, प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, और इसके आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हो इसी को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं, टॉ बराबर क्या होता है, PE sin θ होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है, और अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए टॉ मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा केवल। ठीक है, मात्रक न्यूटन मीटर, विमा क्या होगी, ML²T-2, राशि कैसी है, सदिश, ये चीज जरूर याद कर लेनी है, राशि वगैरह विमा वगैरह। ठीक है, चलिए आगे आगे, तो ये दूसरा चैप्टर आ जाता है, दूसरा चैप्टर का भी रिवीजन कराएंगे। फिलहाल आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दीजिएगा, बाकी डेरिवेशन में बोर्ड पर कराऊं या कॉपी पर करा दूं, कॉपी पर थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कॉपी पर भी कराने का प्रयास करेंगे, यदि समझ में आ जाए तो कॉपी पर कराएंगे, अदरवाइज बोर्ड पर करा देंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।